हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें आज हम बात करने वाले एनसेस्टर्स मेथड्स की, जिसमें कि पेरेंट और पेरेंट्स मेथड को हम किस तरीके से यूज़ करते हो आज हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं नोट पैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कोड में लिखा क्या है, कोड में मैंने यहाँ पर डिव क्रिएट की है, एक के अंदर डिव, एक फिर इसके अंदर एक, फिर इसके अंदर एक, जे क्वेरी की फाइल को लिंक किया है और स्क्रिप्ट टैग को ओपन क्लोज किया, यहाँ पर मैंने सी एस एस अप्लाई की है। तो आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली पेरेंट और पेरेंट्स ये एनसेस्टर मेथड्स होते हैं जे क्वेरी में, कि सी एस एस में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर मैं चाहता हूँ इसके सभी पेरेंट्स को सेलेक्ट करना, ठीक है, ऐसा कोई तरीके नहीं है। क्योंकि एनसेस्टर मेथड हो गए आपके, डिसेंडेंट मेथड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इस तरह के आप यूज़ करना चाहते हैं, देन जेक्वेरी बहुत सारे मेथड्स आपको प्रोवाइड होते हैं। तो एनसेस्टर मेथड बेसिकली पांच तरह के हैं आपका, पेरेंट, पेरेंट्स, पेरेंट्स अनटिल, आपका क्लोजेस्ट, ठीक है। और बेसिकली इस तरह के हम मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो आज के सिलेक्शन में पढ़ने वाले हैं दो मेथड, इसका नाम है पेरेंट और पेरेंट्स। फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता हूँ कि इस जो ये फोर्थ है इसके पेरेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट मेथड, तो कैसे करेंगे? तो जे क्वेरी का बेसिक सी सिंटैक्स बनाएंगे। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्टर बनाएंगे अपना, कि डॉलर कि जिसकी आईडी है हमारी, जिसकी आईडी है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है, तो हैश के थ्रू कॉल किया, ठीक है, उसका जो पेरेंट है, उसका जो पेरेंट है उस पे सी एस एस लग जाए। और सी एस एस में क्या लगा रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं रेड, ठीक है, तो मैं रेड बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने दे दिया, कि इसमें जिसकी आईडी फोर्थ है, अब फोर्थ आईडी मेरी इसके, इसका जो पेरेंट है, जो उसका पेरेंट है, तो उस पर सी एस एस अप्लाई हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए उसका, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हो जाए उसका रेड, ठीक है। तो सेव किया, अब करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो बेसिकली यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या हुआ, रेड हो गया है। आपको लग रहा होगा कि फोर्थ का भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो चुका है, बट मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं इनको देता हूँ वाइट, ठीक है, सबको वाइट दे देता हूँ बेसिकली मैं, ताकि अगर मैं पेरेंट्स के मेथड आपको समझाऊँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो सबको यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ, ठीक है, सेव किया, आप करते हैं रिफ्रेश। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट सेमीकोलन 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 सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जो मेरे एनसेस्टर मेथड्स हैं जेक्वेरी में, जो पहला मेथड है हमारा पेरेंट, तो पेरेंट की हेल्प से मैंने जो मेरा फोर्थ डिव है इसका जो करंट पेरेंट है उसको मैंने यहाँ पर अपने सी एस एस अप्लाई कर दी। पेरेंट का मतलब होता है कि जिस भी आप एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका जो करंट पेरेंट होगा उसी पर ही सी एस एस अप्लाई होगी। अगर आप करते हो यहाँ पर पेरेंट्स का यूज़, अगर मैं करता हूँ पेरेंट्स ऐसा लगा दूँ, तो पेरेंट्स का मतलब होता है कि दादा पापा, दादा परदादा, उसके परदादा, मतलब सारे के सारे पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते रहेंगे। फोर्थ का पेरेंट है थर्ड, थर्ड का पेरेंट है सेकंड, सेकंड का पेरेंट है फर्स्ट, और फर्स्ट का पेरेंट है हमारे ये बॉडी। तो अगर मैं इसको सेव करके करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि फोर्थ के जितने भी पेरेंट्स हैं, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और बॉडी, पूरे में यहाँ पर इसने सबको सेलेक्ट कर लिया और एक साथ सबको सी एस एस यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मुझे जो फोर्थ डिव का जो पेरेंट है फर्स्ट, सिर्फ उसी को ही ये रेड कलर करे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे पैरामीटर मैं दे सकता हूँ, ठीक है, तो आईडी है तो आईडी कॉल करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली फोर्थ का पेरेंट कौन है, पेरेंट्स में मैंने सेलेक्ट किया कि मेरे दादा, मेरे पापा के दादा के दादा के दादा, मैंने उन दादा में से दूसरे नंबर के दादा को सेलेक्ट कर लिया सपोज, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ डिव के जो पेरेंट है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और पूरी बॉडी, मैं चाहता हूँ इन सबको ना करे, सिर्फ फर्स्ट वाले पेरेंट को करे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर पेरेंट्स मेथड के अंदर यहाँ पर उसकी आईडी को यहाँ पर डाल दिया है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि फोर्थ के पेरेंट्स तो देखो थर्ड भी हैं, सेकंड भी हैं, फर्स्ट भी है, और फर्स्ट का पेरेंट बॉडी भी है। बट इसने अभी क्या किया, मैंने यहाँ पर इस मेथड में डिफाइन कर दिया कि सिर्फ मुझे
पेरेंट्स में से सेलेक्ट करना है सिर्फ जिसकी आईडी फर्स्ट है, तो जिसकी आईडी इसने फर्स्ट दी उसको सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ सेकंड, तो आप देखेंगे तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, सेकंड को, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ थर्ड या यहाँ डाल दूँ बॉडी, तो आप देखेंगे तो बॉडी को सेलेक्ट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यही काम अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो, सपोज़ पेरेंट मैथड में मैंने पेरेंट लगाया, तो फोर्थ का पेरेंट कौन है, थर्ड है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर आप हैश ला के यहाँ पे अगर फर्स्ट डालोगे तो आउटपुट आपको आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट मेथड एक पेरेंट पे काम करता है कि फोर्थ का जो करंट पेरेंट है थर्ड है तो इसी को ही करेगा, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। पेरेंट्स फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, सबके पेरेंट्स मतलब दादा के दादा के दादा के, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप उन सभी पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने आईडी दी है या अपने क्लास दी है या विद द हेल्प ऑफ नेम, इस तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अभी तो हमने एंसेस्टर्स मेथड्स में, हमने सेलेक्टर मेथड में दो मेथड को पढ़ा है, पेरेंट और पेरेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के मेथड्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को अगर पसंद आई तो, यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।